प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रथम पाठ, जो कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित है, को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि कक्षा 9वीं में जो कुछ आपने पहले पाठ में सीखा है, ये उसी का क्रमागत अगला चरण है, तो गलत नहीं है। तो अर्थात इस पाठ को सीखने के लिए कक्षा 9वीं में आपके द्वारा सीखे गए पहले पाठ पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप उससे कुछ अंश की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत, जो कि वास्तविक संख्या है, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, मैं इसके जो पहला खंड है, उसमें हम दो मुख्य विषयों, दो मुख्य टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। पहला है यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, यानी इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये दोनों ही सिद्धांत इस पाठ को सीखने के मूल में है। यूक्लिड बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं, इनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में इनका नाम अच्छे से सुना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या सीखेंगे? हमारे पास इस कक्षा तक, इस कक्षा के स्तर तक हमको ये जानना है कि दो दी गई पूर्ण संख्याओं का, धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF, यानी कि जिसको हम महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं, किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम दो दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करने की विधि को सीखेंगे। वहीं जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अतिरिक्त, जो मैंने अभी दूसरे टॉपिक का आपके सामने नाम लिया, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, इसकी सहायता से हम ये जान सकेंगे कि कैसे हम दी गई प्रमेय संख्याओं के दशमलव रूपों का बिना विभाजन प्रक्रिया करके निरूपण कर सकते हैं। अर्थात हम ये बताने में सक्षम होंगे कि कौन सी प्रमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है, कौन सी प्रमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत है, कौन सी प्रमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत आवर्ती है। तो ये इसके, इस पाठ के पहले, पहला जो इसका अंश है, उसके दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसमें दो शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, एक जिसको मैंने एल्गोरिथम कहा, जैसे कि टॉपिक का मैंने आपके सामने नाम लिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये आधारित है यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। तो हमको इन दो शब्दों को अच्छे से सीखना है, इनके बारे में जान लेना है कि लेमा हम किसको कहेंगे और एल्गोरिथम हम किसको कहेंगे। लेमा प्रमेय का, लेमा से हमारा आशय होता है प्रमेय का। प्रमेय का मतलब एक ऐसा कथन जो सत्य है, जिसको हम सिद्ध कर चुके हैं, और जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सत्य सिद्ध करते हैं, उसको लेमा कहा जाता है, उसको प्रमेय का कहा जाता है। और जो दूसरा शब्द मैंने आपको कहा एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम शब्द को भी हमको जानना जरूरी है, इसका प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान में बहुत ज्यादा होता है। तो एल्गोरिथम से हमारा आशय होता है कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। किसी कथन को सिद्ध करने के लिए हमको कौन कौन से सुपरिभाषित चरणों से होकर गुजरना होता है, वो कोई आवश्यक नहीं कि वो गणित की ही समस्या हो, वो आपके दैनिक जीवन की समस्या हो सकती है। मसलन आपको चाय बनानी है, तो आप चाय बनाने में किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले गैस, आप एक बर्तन में पानी लेते हैं, सबसे पहले उसको रख देते हैं, फिर आप गैस जलाते हैं, गैस जलाने के बाद आप उस बर्तन को गैस के ऊपर रखते हैं, फिर आप ये प्रतीक्षा करते हैं कि आपका पानी उबले, तदुपरांत आप उसमें चाय पत्ती डालते हैं। जब आपकी चाय पत्ती और पानी उबलने लगता है, तब जाकर के आप उसमें चीनी, दूध इत्यादि डालते हैं, और फिर आप प्रतीक्षा करते हैं कि वो अच्छे से उबले, और उसके बाद आप पहले गैस बुझा देते हैं, गैस का बटन ऑफ करते हैं, और आपकी चाय बनकर तैयार हो जाती है। अब आपने देखा होगा, आपने चाय बनाई है किचन में, तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम इसमें एक चरण पहले कर दें और पहले वाला चरण बाद में कर दें, तो वो ऐसा संभव ही नहीं है। इसमें एक श्रृंखला है, तभी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो गणित में तो इस विधि पर बहुत एधर होकर रहना पड़ता है, अडिग होकर रहना पड़ता है, कि जो चरणों की सुव्यवस्थित श्रृंखला है, हम उसमें ये न करें कि बाद का चरण पहले कर दें, पहले का चरण बाद में कर दें, हम ऐसा करके अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप एल्गोरिथम शब्द
और लेमा शब्द अर्थात प्रमेय का और एल्गोरिथम को ठीक से समझ गए होंगे। अब क्योंकि गणित विषय है तो आगे के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्लियर कराने के लिए। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, तो जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक हमने इसमें सीखना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और हिंदी में हम इसको कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब दरअसल इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु है इस प्रमेय के कथन में जो विषय वस्तु है उसको आप पहले से ही जानते हैं, बस उसको आप इस लिपिबद्ध हम उसको ठीक से करेंगे और उसको एक प्रमेय का रूप देंगे। उदाहरण के लिए अगर हमको संख्या 27 में भाग देना है, मान लीजिए आप 4 का भाग दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 चौका 24 और हमारे पास इस तरह से 3 शेष रहता है। तो ये जो विभाजन की प्रक्रिया है हमने देखी इसको हम क्या कहते हैं भाजक, ये है भाज्य और ये है भागफल और ये है शेषफल। तो ये जो हमने शब्द अभी देखे अगर हम इन्हीं को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कहें अर्थात इनको व्यक्त करने के लिए संख्याओं के स्थान पर किसी भी संख्या को अमूर्त रूप में मान लें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दी गई धनात्मक पूर्णांक संख्याओं ए तथा बी के लिए दी गई धनात्मक पूर्णांक संख्याओं ए तथा बी के लिए पूर्ण संख्याओं क्यू तथा आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि अर्थात हम ए यानी यहां पर मैं इस उदाहरण से रिलेट करूंगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए 27 को संकेत ए से लिख दिया, कोई भी संख्या हो सकती है, इसको मैं विभाजित कर रहा था 4 से अर्थात ये जो बी है यहां पर जो मैंने दूसरी पूर्णांक संख्या ली है बी वो संख्या 4 हो गई, तो ए बराबर बी गुणा गया क्यू प्लस आर। तो यही ये जो कथन है यहां पे हमारा इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के नाम से जानते हैं। तो हमने यहां पर जो उदाहरण लिया था उसकी समरूपता आप यहां से देखिए, 4 को स्थापित कर लिया है बी ने, 27 को स्थापित कर लिया है ए ने और क्यू के स्थान पर हमको इन दो का हमने देखा ना कि अगर हम एक संख्या को दूसरी से विभाजित करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भागफल भी प्राप्त होता है और शेषफल भी प्राप्त होता है। तो यहां पर संख्या क्यू हमारा भागफल है और संख्या 3 हमारा शेषफल है। भागफल को अंग्रेजी में कोशेंट कहते हैं, पहला अक्षर क्यू, इसलिए क्यू संकेत मैंने लिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं, और इसके लिए आर यानी रिमाइंडर। अब एक खास बात आप देखिए, जब भी हम विभाजन की प्रक्रिया करते हैं तो जो शेष होता है रिमाइंडर होता है ये जो संख्या आर होती है ये सदैव किसके बराबर होती है 0 अथवा 0 से बड़ी और बी से सदैव छोटी, यानी जिससे हम विभाजित कर रहे हैं यहां पर हमने 4 से विभाजित करा था तो जो शेष आएगा जो आर संख्या आएगी वो हमेशा इस 4 से छोटी ही होगी, तो लेस देन बी, जबकि ये 0 के बराबर भी हो सकती है। अगर मैं 16 को 4 से विभाजित कर रहा होता तो 4 4 16 4 बार भाग चला गया होता, ऐसी दशा में मेरे को जो शेष फल था वो 0 प्राप्त होता। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है कि ए संख्या और बी संख्या के सापेक्ष जो दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं संख्याओं क्यू और आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बराबर बी गुणा गया क्यू धन आर। हम यहां पर लिख सकते थे इस वाले उदाहरण में हम 27 को व्यक्त कर सकते थे कैसे, 27 बराबर 4 गुणा गया 6
धन आर, आर की जगह यहां पर किसने ले लिया, तीन ने ले लिया। तो ये जो उदाहरण था इसकी सहायता से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म अर्थात उसको एक चर रूप में स्थापित किया ताकि ए भी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, तो आप उनके सापेक्ष क्यू और आर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको अच्छे से समझेंगे। और इसी कथन के आधार पर एक चरण है हमारे पास, एक एल्गोरिथम है, सुव्यवस्थित चरण है जिसके आधार पर हम दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब एचसीएफ, मुझे उम्मीद है कि आप एचसीएफ जानते हैं। एचसीएफ क्या होता है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, मान लो एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, ए और बी के एचसीएफ से आशय होगा जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंग्रेजी में और हिंदी में उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। वो कौन सी संख्या है? वो सबसे बड़ी संख्या है जो ए को और बी को, ए और बी दोनों को विभाजित करे। ए और बी को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या कहलाती है? इन दोनों का एचसीएफ कहलाती है। तो संख्याओं के एचसीएफ को ज्ञात करने की विधि आपने गुणन खंडन के माध्यम से पिछली कक्षाओं में सीखी है। आज हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर सीखेंगे कि कैसे हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो शुरुआत इसी लेमा के, अब एल्गोरिथम का अर्थ है हमारे पास कुछ चरण है यहां पर, तो पहला चरण हमारा यही लेमा है क्योंकि ये तो सत्य कथन है, किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं पर पूरी तरह से सिद्ध है। तो मान लीजिए दी गई, हमारा यहां पर उद्देश्य क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, दी गई पूर्ण संख्याओं, दी गई पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं जो धनात्मक है, दी गई पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। और कितनी संख्याएं दी गई? दो, दो पूर्ण संख्याओं का। पहले हम दो के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब लेमा की पहली स्टेटमेंट क्या थी? दी गई दो पूर्णांक संख्याओं ए तथा बी के लिए पूर्ण संख्याओं क्यू तथा आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि, अस्तित्व इस प्रकार है कि, क्या था भाई हमारे पास? क्यू ए बराबर बी गुणा गया क्यू प्लस आर, जहां शून्य से शून्य के बराबर अथवा आर का मान शून्य के बराबर अथवा शून्य से बड़ा किंतु बी से छोटा है। तो अगर इस दूसरा चरण हमारा क्या कहता है, ये हमने ए और बी के लिए क्यू और आर ज्ञात कर लेने हैं जैसे एक उदाहरण में हमने अभी अभी करे। दूसरा चरण कहता है कि यदि चरण एक में हमारे पास आर का मान शून्य आ गया, यानी कि जो हम विभाजन कर रहे थे, जो यहाँ पर शेषफल था, ये जो संख्या आर थी ये शून्य प्राप्त हो गई, तो तब ऐसी दशा में जो हमारा बी है ये क्या होगा? बी ही ए व बी का एचसीएफ है। ऐसी दशा में यदि r बराबर 0 है तो तब ये संख्या b a और b का एचसीएफ हो जाएगी। यदि दूसरा स्थिति ये आती है कि r का मान शून्य नहीं है, अर्थात r का मान 1 2 3 कुछ भी है, तो तब ऐसी दशा में चरण एक में जो लेमा हमने लिखा है, जो ये कथन जो हमने लिखा है, इसको इन दो संख्याओं पर लागू करेंगे। तो यदि r नॉट इक्वल टू 0 तो b तथा आर के लिए, बी तथा आर के लिए विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं तथा बी तथा आर के लिए चरण एक का प्रयोग करते हैं, तीसरा स्टेप है हमारे पास चरण दो का प्रयोग तब तक जारी रखते हैं जब तक कि
आर बराबर शून्य प्राप्त न हो जाए। तो ये तीन स्टेप्स हमारे हैं। अब ये निर्भर करता है कि आर को शून्य प्राप्त करने में हमको तीन चरण जाना पड़ा, चार चरण जाना पड़ा, पांच चरण जाना पड़ा, समस्या पर निर्भर करेगा कि चरणों की संख्या वास्तविक रूप में कितनी होती है। तो ये आप अगर आपने इसको ही अच्छी से समझ लिया, ये जो पहला स्टेप इसका है, क्योंकि आगे हमने वही प्रक्रिया अपनानी है, तो इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं। तो हम देखते हैं इस पे एक दो अच्छे से उदाहरण, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि कैसे हमने इनका प्रयोग करना है। तो पहला उदाहरण, मैं काफी सरल सा उदाहरण ले रहा हूं, उदाहरण एक, दी गई संख्याओं 420 व 130 का HCF हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करना है। तो देखिए लिख दूं मैं यहां पे, इसका हल करने के लिए आप एक हेडिंग बना सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 420 व 130 का HCF। आप ये हेडिंग भी बना सकते हैं इसके हल में। आपको पता है ये हमको स्टेप वाइज करना है। तो चरण एक में हम क्या करते हैं, संख्या 420 को विभाजित करते हैं संख्या 130 से। तो आप यहां पर विभाजन कर लीजिए, थोड़ा रफ वर्क के लिए स्पेस है कि 420 में हमको विभाजित करना है इसको 130 से। तो तीन बार, तीन शून्य अंक के शून्य, तीन तीन नौ और तीन एकम तीन, हमारे पास कितना बचा, जीरो, ये रहा थ्री। तो अब हम आगे विभाजन जारी नहीं रखेंगे, 130 से विभाजित करने पर तीन भागफल और 30 शेषफल प्राप्त हुआ। यानी कि हम 420 को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, 130 गुणा गया 3 धन 30। क्योंकि आर शून्य नहीं है तो हम अगले चरण की ओर जाएंगे, स्टेप टू पर हम आते हैं। स्टेप टू में हमने क्या करना है कि पूर्व स्टेप का जो भाजक था और पूर्व स्टेप का जो शेषफल था, रिमाइंडर था, आर था, उन दोनों पर इसी स्टेप एक का एक तरह से प्रयोग करना है। तो हम 130 को किस तरह से व्यक्त करेंगे, 30 से विभाजित करना है। तो आप रफ शीट में काम कर सकते हैं, 130 को आप डिवाइड कर लीजिए 30 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3, 3, 4 जा 12, 120, कितना रह गया हमारे पास यहाँ पे, 10 रिमाइंडर रह गया। हम इसको जब 30 से विभाजित करा तो भागफल हमारे पास 4 प्राप्त हुआ और शेषफल हमारे पास 10 प्राप्त हुआ। तो स्टेप टू में 130 को 30 × 4 + 10 के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अभी भी क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो पिछले चरण का भाजक और शेषफल, इन दोनों संख्याओं पर हम चरण एक का प्रयोग पुनः करेंगे। तो स्टेप थ्री में हम क्या कर सकते हैं, अब 30 को हम विभाजित करेंगे 10 से, 30 को विभाजित करेंगे 10 से, सबको पता है 10 × 3 = 30 और शेषफल यहां पर हमको शून्य प्राप्त हो गया। तो ये शेषफल शून्य ही हम चाह रहे थे, इसी चरण में जो भाजक संख्या है वही हमारा अभीष्ट HCF हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 420 and 130 = 10। दी गई दो संख्याओं का HCF हमारे पास 10 प्राप्त होता है। इस तरह के आप काफी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। हम इस अभ्यास को और सशक्त करने के लिए एक उदाहरण का और आपके सम्मुख रखेंगे, एक उदाहरण और अच्छा सा हम ले लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास दो संख्याएं हैं, 450 और 135।
450 और 135 का हमने एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। संख्याओं 450 व 135 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से प्राप्त करें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से प्राप्त करना। तो इसके हल पर हम पहला चरण प्रयोग करेंगे, क्योंकि दी गई दो संख्याओं में 450 और 135 में बड़ी संख्या 450 है, बड़ी पूर्णांक धनात्मक संख्या 450 है, तो 450 को हम 135 से विभाजित करते हैं। तो 450 को 135 से विभाजित करने पर हमको Q और R का मान ज्ञात करना है। तो 135 से हम डिवाइड करेंगे 450 को, देखिए कितनी बार, 13 3 जा 3 से हम प्रयास कर सकते हैं, 3 5 15 को 5, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 3 1 3 और 1 4, इस तरह से हमको 45 शेषफल बच गया। तो यानी कि 3 हमारा भागफल आया और 45 हमारे पास शेषफल प्राप्त होता है। स्टेप 1 में क्योंकि हमको, हमने देखा यहां पर भी R0 नहीं प्राप्त हुआ, तो हमको अगले चरण की ओर बढ़ना है। अब देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 हमको किन दो संख्याओं पर लागू करना है, पिछली पिछले चरण का भाजक और शेषफल, यानी कि 135 को डिवाइड करेंगे 45 से और देखेंगे कि क्या भागफल और क्या शेषफल प्राप्त होता है। तो 45 से हम डिवाइड करते हैं 135, देखिए 4 3 12, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, ये हमारा कंप्लीट डिवीजन हो गया, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 0 प्राप्त होगी। तो इसको हम 3 और धन 0, इस चरण में ही हमको R का मान 0 प्राप्त हो गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए HCF, ये ब्रैकेट को हम ऑफ के रूप में पढ़ सकते हैं, HCF ऑफ किस किस का HCF, 450 एंड 135, दिस इज 0। दी गई इन दो संख्याओं का HCF हमको कितना प्राप्त हुआ, दिस इज जिस जिस भाजक ने हमारा शेषफल शून्य किया, अर्थात 45। तो दी गई दोनों संख्याओं का हमारे पास HCF के रूप में प्राप्त हुआ 45। यही आपका आंसर है, बड़ा सरल सा प्रश्न है, लेकिन आप अपने अभ्यास को सशक्त करने के लिए और समस्याओं का प्रयोग करेंगे। मेरा अनुभव है कि पिछले वर्षों के हम अगर गणित विषय के परिषदीय परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र का पहला खंड होता है उसमें सदैव एक प्रश्न इस पर आधारित होता है, तो उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो आप इस पे अधिक से अधिक प्रश्नों की पुनरावृत्ति कीजिए, जितने आप इसमें अभ्यास करेंगे उतना आपका इस पर एक्सपर्टीज हो। देखिए HCF करने का पुराना तरीका आपको है, कुछ छात्र गलती कर देते हैं, HCF पूछा जाता है तो जो पिछली कक्षाओं में HCF की विधि सीखी है, प्रश्न को हड़बड़ी में पढ़ते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते और गलत उत्तर दे देते हैं, यानी पुरानी विधि से HCF ज्ञात कर देते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न हमको स्पष्ट पढ़ना है, प्रश्न में आपको साफ लिखा रहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज करेंगे। अगले सेशन में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर चर्चा करेंगे।